हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 6.3, क्लास 8। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या सवाल है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो है ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के डोनेटेड रुपीज 2401। तो वो डोनेट कर रहे हैं पैसे कितने, 2000 टोटल 2401, किसमें, इन ऑल फॉर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो इस फंड के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर कंट्री का होता है, ठीक, उसका जो रिलीफ फंड होता है, ठीक, तो उस फंड के अंदर जो है ये डोनेट कर रहे हैं। फिर ये पैसा जो है जब कोई नेशनल डिजास्टर आती है तो वो पैसा वहां पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, लाइक अर्थक्वेक, ठीक, सुनामी वगैरह। तो ये बच्चे इस रिलीफ में इतना डाल रहे हैं, रुपीज 2401, ठीक है। अब लेकिन कंडीशन क्या है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये कंडीशन है। देखिए कह रहा है कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में है तो हर कोई स्टूडेंट उतने पैसे डोनेट कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर 15 स्टूडेंट्स क्लास में है तो अब हर कोई बच्चा रुपीज 15 जो है डोनेट करेगा, हर कोई बच्चा रुपीज 15 डोनेट करेगा, ठीक, इसी तरीके से चलता जाएगा। मान लीजिए अगर 20 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है तो हर कोई बच्चा जो है वो 20-20 रुपीज डोनेट करेगा। मतलब जितने स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है उतना ही अमाउंट एक एक बच्चा डोनेट करेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर 40 स्टूडेंट्स क्लास में है तो एक एक बच्चा 40 रुपीज डोनेट करेगा। अब हमें क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बताइए क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो अब जितने स्टूडेंट्स क्लास में होंगे उतना ही पैसा एक एक बच्चा डोनेट करेगा, ठीक। तो बहुत आसान सा सवाल है, तो चलिए कर लेते हैं इसको। पहले हम लिखेंगे टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है स्टूडेंट ने, तो वो क्या है, रुपीज 2401, क्लियर हुआ। तो अब ये जो 2401 है इसके हम फैक्टर्स चेक करेंगे, ठीक। तो अब देखिए पीछे वन है तो टू से होगा नहीं, ठीक है ना, अब थ्री से भी नहीं होगा यहां पर, क्योंकि फोर और टू सिक्स, एक सेवन, सेवन थ्री के टेबल में नहीं होगा, फाइव फोर फाइव, फाइव से भी नहीं होगा। सेवन से चेक कर लेते हैं, सेवन से होगा क्या, ठीक, अगर आप सेवन से चेक कर लोगे तो सेवन थ्री आर 21, ठीक, तो सेवन थ्री आर 21, तो यहाँ पर थ्री बचा 30, सेवन फोर आर 28, टू बचा, हाँ सेवन से हो जाएगा, ठीक, तो सेवन से कर लीजिए, सेवन थ्री आर 21, ठीक है ना, तो ये 24 है, 21, तो थ्री बचा, तो सेवन फोर एक 30 बना, सेवन फोर आर 28, ठीक, दो बचा, तो वो इसको मिलेगा सेवन थ्री आर 21, ठीक। फिर से सेवन से कर लेते हैं, सेवन फोर आर 28, सिक्स बचा, सेवन नाइन आर 63, फिर से सेवन से कर लेते हैं, सेवन सेवन आर 49, सेवन वन आर 7, तो यहाँ पर देखिए 2401 जो है इसके फैक्टर्स आ गए, सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई सेवन, ठीक, तो ये जो है इसके फैक्टर्स आ गए। अब यहां से क्या देख रहे हो आप, सेवन का स्क्वायर है, सेवन का स्क्वायर है, तो सेवन का स्क्वायर इंटू सेवन का स्क्वायर, ठीक। अब रूट ले लेते हैं, यहां से भी रूट, ठीक, सेवन स्क्वायर इंटू सेवन स्क्वायर, तो रूट जब हम लेंगे तो अब देखिए यहां पर जो रूट लेंगे हम, ठीक, तो यहां से भी आप रूट लोगे 2401। अब यहां पर रूट स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट कट हो जाएगा, सेवन रूट से बाहर, ये सेवन के रूट से बाहर, सेवन सेवन आर 49, तो 49 स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्लासरूम के अंदर होंगे, ठीक। देयरफोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वो होंगे 49।
तो वही हमें कहना था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास के अंदर 49 स्टूडेंट्स होंगे और अब एक एक स्टूडेंट ने 49 रुपीज डोनेट किया होगा। ठीक, एक एक स्टूडेंट ने 49 डोनेट किया होगा। 49 को मल्टीप्लाई 49 अगर आप करोगे तो वो बनेगा टोटल 2401। ठीक, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। तो इतने टोटल प्लांट्स है हमारे पास 2025, तो इनको हमें प्लांट करना है। ठीक, इनको हमें प्लांट करना है इन अ गार्डन, एक गार्डन के अंदर इनको हमें प्लांट करना है। ठीक, तो 2025 प्लांट्स को हमें एक गार्डन के अंदर लगाना है। ठीक है, लेकिन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। लेकिन ये कैसे इनको प्लांट कर रहा है? ये ऐसे प्लांट कर रहा है इनको कि अगर ये 5 रोज कर रहा है, मान लीजिए 5 रोज कर रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 रोज कर रहा है। तो अगर ये 5 रो करता है तो ये क्या करता है यहां पर कि एक एक रो में 5 प्लांट्स ग्रो करता है। अब जितने इसके रो बनते हैं उतने ही प्लांट्स एक रो के अंदर होता है। मान लीजिए अगर 5 रो बन गए तो एक रो के अंदर 5-5 प्लांट्स जो है इसी तरीके से ग्रो करता है। ठीक, अगर 6 रोज बन गए तो एक रो के अंदर 6 प्लांट्स ग्रो करेगा, ये प्लांट करेगा। अगर 8 रोज बनते हैं तो एक रो के अंदर 8-8 प्लांट्स, ठीक, ये प्लांट करेगा। तो अब इसी तरीके से इसने ये कंडीशन दी है कि जितने रोज बनते हैं उतने ही प्लांट्स एक रो के अंदर प्लांट हो जाते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है वो है 2025। ठीक, इतने प्लांट्स है 2025, टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है वो है 2025। ठीक, अब इसके फैक्टर्स चेक करेंगे, 2025 के फैक्टर्स हम चेक करेंगे। पीछे 5 है तो 5 से होगा। ठीक, 5 4 आर 20 5 5 आर 25। ठीक, मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि जब इवन पेयर में आएगा दोनों, ठीक, डिविजिबल होंगे तो बीच में जीरो हम लाएंगे। 5 4 आर 20 5 5 आर 25, क्योंकि ये इवन पेयर में था और डिविजिबल हुआ ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो बीच में जीरो हम लाएंगे। अब फिर से 5 से होगा, 5 8 आर 40 5 1 आर 5। अब 3 से हो जाएगा, 3 2 आर 6 3 7 आर 21 3 9 आर 27 3 3 आर 9 3 1 आर 3। तो ये जो 2025 है इसके हमें फैक्टर्स आ रहे हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई और एक 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3। ठीक, तो अब 2025 इक्वल, इसका पेयर है तो 5 का स्क्वायर, इसका भी पेयर है तो 3 का स्क्वायर, इसका भी पेयर है तो 3 का स्क्वायर। अब यहां से रूट ले लेते हैं 2025 और यहां से भी रूट आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर कटेगा, इधर स्क्वायर एंड रूट कटेगा। ठीक, तो अब यहां जो है रूट से बाहर आ गए, 5 भी रूट से बाहर, अरे 3 भी रूट से बाहर, ये 3 भी रूट से बाहर, 5 3 आर 15 15 इंटू 3 45। ठीक, तो पहला क्या सवाल था, फाइंड द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो 45 होंगे, तो हम लिखेंगे डियर फोर नंबर ऑफ रोज इक्वल 45। अब दूसरा क्या था, एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक, ईच रो, एक रो में कितने प्लांट्स होंगे? अब जितने रोज है उतने ही प्लांट्स होंगे क्योंकि ऊपर कंडीशन है, तो वही हम लिखेंगे। तो वही क्या दूसरा था, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक, तो जितने रोज, एक रो में उतने ही प्लांट्स होंगे, तो रोज कितने हैं 45, तो एक रो में 45 प्लांट्स जो है वो प्लांट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह था ये। ठीक, इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो यहां रहता है तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए,
आपको वो कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।